हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्टार्ट करते हैं प्रीमिक्स 68 के साथ। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पश्चिम लहर। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज़ अ ट्राई सर्विस मेरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। वो आपको पश्चिम वर्ड से भी पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू वेस्ट है, ठीक है। सो वेस्टर्न कोस्ट आ गया यहाँ पर। दूसरी स्टेटमेंट है, यूनिट्स फ्रॉम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेवल कमांड, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड द कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन इट टू बिल्ड इंटर ऑपरेटेबिलिटी। सो जो पर्पज था इसका वो था टू बिल्ड इंटर ऑपरेटेबिलिटी। अब आपको ये बताना है क्या इसमें ईस्टर्न नेवल कमांड ने भी पार्टिसिपेट किया होगा, या फिर सिंस हम इसको ट्राई सर्विस कह रहे हैं तो क्या कोस्ट गार्ड ने भी पार्टिसिपेट किया होगा। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ठीक है। आप मार्क कर लीजिए अपने आंसर को। सो ऑप्शंस है वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। देखिए, ट्राई सर्विस मैरीटाइम एक्सरसाइज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेंगे और बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेवल कमांड भी पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ पश्चिम लहर में पश्चिम इज रिलेटेड टू द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, देर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसोसिएटेड, 169 टारगेट्स, 304 इंडिकेटर्स। इंडिया इज रैंक्ड 116 आउट ऑफ 157 नेशंस ऑन अ ग्लोबल इंडेक्स। आपने सुना होगा एसडीजी इंडेक्स होता है, ठीक है, जो कि आपको बेसिकली मेजर करता है कि कितनी आपने अचीव कर लिया है एसडीजीज की तरफ, कितना आप पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अचीविंग एसडीजीज, ठीक है, जिनकी डेडलाइन इज 2030। तो इंडिया का रैंक काफ़ी नीचे है, 116, ठीक है। सो आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट्स सही है कि नहीं। सो अगेन ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ एंड नन। सो द आंसर इज बोथ, ठीक है। सो एसडीजी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 116 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर है। और ये भी सही है कि 17 एसडीजीज हैं, 169 टारगेट्स हैं और 304 इंडिकेटर्स हैं। एसडीजीज इतने इंपॉर्टेंट है कि 17 भी आपको पता होनी चाहिए क्या क्या हैं। ओके, सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ न्यू स्टडी हैज रिवील्ड दैट मेल्टिंग आर्कटिक परमा फ्रॉस्ट कुड रिलीज टन्स ऑफ टॉक्सिक मर्क्यूरी इनटू द एनवायरनमेंट, राइट। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज, इंडिया हैज रेटिफाइड द मीनामाटा कन्वेंशन। मीनामाटा कन्वेंशन है ऑन कर्बिंग मर्क्यूरी, सो इंडिया ने उसको रेटिफाई कर दिया है। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। देखिए, इसमें जो आंसर है वो बेसिकली है वन ओनली, क्योंकि ये तो अभी न्यू स्टडी ने रिवील किया है कि आर्कटिक का जो परमा फ्रॉस्ट है उसमें हम पढ़ते आए कि मीथेन तो है ही, ठीक है। जैसे जैसे फ्रॉस्ट मेल्ट होगा मीथेन रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, और मीथेन इज आल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, सो और ग्लोबल वार्मिंग होगी, उससे और परमा फ्रॉस्ट मेल्ट होगा, तो एक साइकिल सा बन जाएगा। एट द सेम टाइम अब ये भी पता चला है कि जो आर्कटिक परमा फ्रॉस्ट है उस वो स्टोर हाउस है मर्कुरी का भी, ठीक है। मर्कुरी रिलीज होगी तो वो फूड चेन में एंटर करेगी, और आपने पता ही है कि बहुत सारे डिजीजेस कॉज कर सकती है इन ह्यूमंस, फिशेस में, है ना, जैसे कि जो मीनामाटा डिजीज है एंड ऑल दैट, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी। उसके बाद इंडिया हैज रेटिफाइड द मीनामाटा कन्वेंशन, ये गलत है। देखिए, अप्रूवल मिल गया है कि जो मीनामाटा कन्वेंशन है उसको रेटिफाई कर दिया जाए बाय द यूनियन कैबिनेट। सो आप अभी फॉलो करते रहिए कब होता है, बट अभी तक इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स अ शेयर इन द बेसिन ऑफ रिवर कावेरी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो केरला, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ये ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए, मार्क कर लीजिए अपने आंसर को। सो द आंसर इज 1, 3 and 4 ओनली। केरला हमें पता है, पुडुचेरी पता है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसको भी एक तरह से, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। सो इसका आंसर है 1, 3 and 4। आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा, और कर्नाटका और तमिलनाडु तो हमें पता ही है ऑप्शंस में होंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर ओरिजिनेटिंग सोर्सेस। गोदावरी का है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, आपको बताना है ये सोर्स है गोदावरी का के नहीं। सेकंड है नर्मदा का महाबलेश्वर, कृष्णा का अमरकंतक, ठीक है। सो आपको बतानी है कौन से करेक्टली मैच्ड है
टू देयर सोर्सेज. सो ये ऑप्शंस हैं और आपको अपना सही आंसर बताना है. ओके, द आंसर इज वन ओनली. देखिए, गोदावरी का सोर्स ये है त्र्यंबकेश्वर, जो नर्मदा है उसका सोर्स है अमरकंतक, और कृष्णा का है महाबलेश्वर. तो ये इंटरचेंज कर दिए गए थे. ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा आज का प्रीमिक्स था. एंड प्लीज़ अपना स्कोर नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच.